नमस्कार दोस्तों, फूड स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आटे के मीठे शक्करपारे। ये शक्करपारे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। हम आज मीठे शक्करपारे बना रहे हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मीठे के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे और फ्लेवर के लिए हमने थोड़ी सौंफ ली है। इसको हाथ से क्रश करके हम आटे में मिला लेंगे। ये हमने गुड़ को फोड़ लिया है। अब इसमें पानी डाल के हम इसको पिघला लेंगे। गुड़ के शक्करपारे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही साथ गुड़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मोयन के लिए हमने शुद्ध देसी घी लिया है। मेरी मम्मी ये शक्करपारे बहुत ही टेस्टी बनाती है। ये रेसिपी मेरी मम्मी की है। मैंने ये शक्करपारे उन्हीं से बनाने सीखे हैं। ये शक्करपारे खाने में भी टेस्टी लगते हैं, साथ ही साथ हेल्दी भी होते हैं। आटा हम थोड़ा दरदरा ही लेंगे, बिल्कुल बारीक आटा नहीं लेंगे। मोयन डाल के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऊपर से डालेंगे। ये चीनी के दाने जो शक्करपारे में ऊपर दिखाई देते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। गुड़ में ये शक्करपारे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। घी को हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। ध्यान रखें कि आप आटे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना करें। शक्करपारे का आटा थोड़ा टाइट ही लगता है। पानी आप हिसाब से थोड़ा थोड़ा करते हुए ही डालें। हमें सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है। इसमें कोई भी ज़्यादा हमने चिकना नहीं करना है आटे को, तभी हमारे शक्करपारे जो हैं वो खस्ता बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। आप देख सकते हैं हमें इसी तरह का डो लगाना है। ये शक्करपारे हम एक बार बना के आराम से 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होते और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से घर पे बनाए हुए छोटे छोटे स्नैक्स खाने में भी टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि घर पे हम सभी चीज़ें अपने हिसाब से अच्छी तरह से मिलाते हैं। आटे को हमने तैयार कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर ढक के हम सेट करने के लिए 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। ये आटा थोड़ी देर में फूल जाएगा तो टाइट हो जाएगा। बीस मिनट के बाद हमारा आटा सेट होके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये एकदम टाइट हो गया है। अब हम इसको दोबारा से हाथ की सहायता से चिकना करेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इतना ही टाइट डो चाहिए। आज के शक्करपारे हम चूल्हे पे बना रहे हैं। गांव में लगभग सभी प्रकार का खाना चूल्हे पे ही बनाया जाता है। चूल्हे पे बहुत जल्दी बन जाता है। आज के शक्करपारे हम चूल्हे पे बनाएंगे। हम अपने गांव आए हुए हैं और गांव में लगभग सभी प्रकार का खाना चूल्हे पे ही बनाया जाता है। चूल्हे पे खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम शक्करपारे तैयार कर लेंगे। आधा आटा हम तोड़ के ले लेंगे, आधे को अलग से दोबारा से ढक के रख देंगे, क्योंकि
नहीं तो हमारा आटा सूख जाएगा। अब इसको ऐसे हाथ से गोल गोल करते हुए हम बेल लेंगे। बेलन को थोड़ा सा चिकना करेंगे और अब इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हम इसको नहीं बेलेंगे, शक्कर पारे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही खस्ता भी बनते हैं। साइड से हम इसको काट के अलग कर देंगे। इसको दोबारा से बेल लेंगे इस तरह से। आपको बिल्कुल इसी तरह का आटा लगाना है। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत नहीं करना है हमें। आप जिस चाहें उस आकार में इनको काट सकते हैं। ये शक्कर पारे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप इनको 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते हैं। देखिए इतनी हमें इनकी मोटाई रखनी है। अब इनको अलग अलग इनको कर करके हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से सारे शक्कर पारे हम तैयार करेंगे। हमारा आटा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा आटा लग के तैयार हुआ है। उधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। देखिए देखने में वैसे ही कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम अपने शक्कर पारे फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पे ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप इनको गैस पे भी बना सकते हैं इस तरह से। जितने आपके तेल में आ जाएं उतने आप शक्कर पारे एक बार में फ्राई कर लें। थोड़ी देर तक हम इनको नहीं हिलाएंगे क्योंकि अगर हमने इनको ज़्यादा हिलाया तो ये टूट भी सकते हैं। जब ये नीचे से सिक जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे। नीचे से हमारे शक्कर पारे सिक गए हैं, अब हम इनको पलट लेंगे। एक बार के शक्कर पारे सिकने में 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। शक्कर पारे हमारे सिक गए हैं और बहुत ही अच्छे सिके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए इनका कलर कितना सुंदर आया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सेम इसी प्रोसेस से हम अपने सारे शक्कर पारों को फ्राई कर लेंगे। हमने ये शक्कर पारे चूल्हे पे बनाए हैं और चूल्हे पे बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए कितने अच्छे सिके हैं हमारे शक्कर पारे।
हमने सारे शक्करपारे बना के तैयार कर लिए हैं और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहे हैं ये चीनी के दाने हैं, ये इसके ऊपर बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। देखिए ये बहुत ही खस्ता बने हैं, मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, देखिए देखिए कितने अच्छे शक्करपारे बने हैं हमारे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। आप भी इन शक्करपारों को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।